कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं। केवल इनके जाप मात्र से ही धन का आगमन बिल्कुल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं रहती हैं कि वे जितना भी प्रयास करते हैं, जितनी भी कोशिश करते हैं, कहीं से भी उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताएंगे जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। यह बगलामुखी महाविद्या और महालक्ष्मी का संपुट मंत्र है, यानी कि जितनी भी रुकावटें आपके धन के मार्ग में आ रही हैं, वह इस मंत्र के जाप से निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र के जाप को करने के लिए कुछ खास नियम की आवश्यकता है। तो करना किस प्रकार है इस प्रयोग को, इसे आप ध्यान से समझ लें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के गुरु हैं, हर मंत्र के गुरु भी केवल भगवान शिव ही हैं। और जो यह मंत्र हम आपको बताएंगे, यह माता बगलामुखी यानी के महाविद्या और माता लक्ष्मी का संपुट मंत्र है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धन आगमन केवल तभी हो सकता है जब जीवन से शत्रु समाप्त हो सके। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आगमन बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग अपने शत्रुओं पर ही लगा रहता है और वह कुछ भी कार्य कर ही नहीं पाता है, कोई भी मेहनत नहीं कर पाता है, पूरा दिन ही अपने शत्रुओं से छुटकारे के बारे में सोचता रहता है। और इसी कारण की वजह से उसके जीवन में धन आगमन बिल्कुल रुक सा जाता है, बिल्कुल बंद सा लग जाता है। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि उनकी नौकरी है, उनका कोई व्यवसाय है या फिर उनकी कोई दुकान है जहां पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने बंद सा ही कर दिया हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये शत्रुओं के माध्यम से ही होता है। काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कर्ज भी शत्रु ही होता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो कर्ज से बड़ा कोई भी शत्रु इस दुनिया में नहीं होता है। क्योंकि कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही ऐसी हलचल उसके मन में बनी रहती है कि उसे सोने के लिए भी नींद की दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कर्ज की समस्या जिस भी व्यक्ति के जीवन में हो, वह हर एक क्षण बस उससे छुटकारे के बारे में सोचता है। तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शत्रु ही क्यों ना हो, जो आपके धन आगमन में बिल्कुल रुकावट बन के बैठा हो, तो यह मंत्र आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र के जाप को करने के लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली चीज तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी मंत्र के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल नई माला ही आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नई माला नहीं है, पहले से ही कोई पुरानी माला है, तो आपको उसे स्वच्छ अवश्य ही कर लेना चाहिए। पंचामृत में धोकर किसी भी कांच की कटोरी में गंगाजल डालकर इस रुद्राक्ष की माला को सूर्य की रोशनी में रखने से यह बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। तो इस प्रकार पहले ही अपनी रुद्राक्ष की माला को आप स्वच्छ कर लें, और तभी केवल आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप को करने के लिए आपके घर में या तो माता बगलामुखी की या फिर कमला देवी यानी के जो तंत्र की महालक्ष्मी कही जाती हैं, उनकी फोटो होना बेहद आवश्यक है। या फिर जिस फोटो में माता लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई होती हैं, वह फोटो भी आप ले सकते हैं। बस इसी प्रकार की फोटो लेकर किसी भी शुक्रवार के दिन से आपको यह प्रयोग शुरू करना है। शुक्रवार, सोमवार या फिर बुधवार, इन तीनों वार में से कोई भी वार आप चुन सकते हैं। उसके पश्चात सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश को नमस्कार करना है, क्योंकि बिना भगवान गणपति के कोई भी मंत्र फलित हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मंत्र जाप में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, और इन्हीं बाधाओं को हटाने के लिए भगवान श्री गणेश को नमस्कार किया जाता है। बल्कि हर पूजा पाठ, हर हवन में, यज्ञ में, सभी में भगवान श्री गणेश को जाप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गम गणपताय नमः मंत्र का जाप करना है। गम जो बीज मंत्र होता है, यह भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र होता है। काफी लोग इसे गण बोलते हैं, काफी लोग गम बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण गम होता है। हर एक मंत्र के ऊपर जो बिंदी लिखी होती है, वह माँ की ध्वनि को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जैसे श्री लिखा होता है, उसके ऊपर बिंदी लगी होती है, तो श्रीम इसका उच्चारण होता है। जैसे ओम के ऊपर बिंदी लगी होती है, तो उसका उच्चारण भी ओम होता है। इसी प्रकार गा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है, वह गम उच्चारण होता है। यह भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र है। तो सबसे पहले ओम गम गणपताय नमः की एक माला आपको कर लेनी है। उसके बाद भगवान शिव को नमस्कार करके ओम नमः शिवाय का एक माला ही जाप करना है। उसके बाद 11 माला इस मंत्र का, जो बगलामुखी देवी का महालक्ष्मी संपुट मंत्र है, इसका जाप आपको करना है। यह इस प्रकार है, ओम ह्लीम श्रीम मम धनम देहि कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम ह्लीम श्रीम
मम धनम देही कुरु कुरु स्वाहा। ह्लीम जो बीज मंत्र है यह माता बगलामुखी का बीज मंत्र है और श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। केवल इस मंत्र को अगर 11 माला रोज जाप किया जाए तो इससे धन के आगमन में जितनी भी बाधाएं हो रही होती हैं, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे होते हैं, चाहे कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो केवल इस मंत्र के जाप से हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा मिलता है। और अगर इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो 1,25,000 इस मंत्र का जाप करना बेहद आवश्यक है, और वह भी बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। जो कोई भी व्यक्ति 1,25,000 बार इस मंत्र का जाप कर लेता है तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इससे जीवन में शत्रु समाप्त हो जाते हैं, धन के आगमन में जितनी भी बाधाएं हो रही होती हैं वो भी समाप्त होती हैं, और कर्ज की समस्या से निश्चित ही छुटकारा प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे निश्चित ही बहुत ही बढ़िया अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाती है। और जिन लोगों का व्यवसाय नहीं चल रहा है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसे संदेह रहता है कि उनके ऊपर, उनकी दुकान के ऊपर किसी ने बंद लगा दिया है, तो इस प्रकार इस मंत्र का जाप करके लाभ उठाया जा सकता है। रात को सोने से पहले या सुबह पूजा पाठ करते समय यह क्रिया या प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर 21 दिन आपको यह प्रयोग करना है, रोज 11 माला करनी है, और अगर एक ही दिन में 21,000 मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं तो आपको 21 दिन करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक दिन के ही प्रभाव से यह बहुत ही अच्छे परिणाम आपको निश्चित ही देता है। आपको बता दें कि जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है एक ही दिन में 10,000 से अधिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो तुरंत ही मंत्रों के प्रभाव उसी समय से बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। बल्कि कुछ प्रयोग तो ऐसे हैं, जैसे कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है तो उनके लिए भी किए जा सकते हैं। मात्र 10,000 से ऊपर मंत्रों का एक सिटिंग में जाप आप करते हैं तो निश्चित ही जो भी मनोकामना आप बोलते हैं वह भी पूरी होती है। लेकिन वह करते किस प्रकार हैं यह आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर एक सिटिंग में किसी भी मंत्र का जाप आप करना चाहते हैं तब केवल आपको बीज मंत्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके प्रयोग और क्रियाएं बिल्कुल ही अलग होती हैं। तो अपनी खास मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए किस प्रकार कौन सा बीज मंत्र चुनना चाहिए और किस प्रकार उनका जाप करना चाहिए एक ही सिटिंग में बैठकर, जिससे निश्चित मनोकामना पूर्ण हो, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो समय पर मिला करे। इस खास वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।